वेलकम माय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है। क्वेश्चन 8 ऑफ एक्सरसाइज 8.3। फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 10,000 फॉर 1.5 ईयर एट 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। वुड दिस इंटरेस्ट बी मोर देन द इंटरेस्ट ही वुड गेट इफ इट वॉज कंपाउंड एनुअली। देखिए, पहला पार्ट है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, दूसरा है कि एनुअली, दोनों में डिफरेंस क्या है ये पूछा है। पहले आपको निकालना है कि कंपाउंडेड, फाइंड द अमाउंट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट 10,000। देखिए प्रिंसिपल कितना है, 10,000। ये प्रिंसिपल, ये आपने कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला रखा 1 प्लस इंटरेस्ट 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। जब हाफ ईयरली है इसका मतलब हम इसको क्या करेंगे, ईयरली है तो 10% है, तो हाफ ईयरली होगा तो क्या हो जाएगा, 5%। हाफ ईयरली है तो 5% हो जाएगा, यानी 5/10, एक बात तो ये हो गई। अब क्योंकि हाफ ईयरली है तो कितने हाफ ईयर का करना है, 1.5 ईयर है, यानी 1/2 साल है, यानी 3/2 वर्ष है, इसको हाफ ईयर करना है तो इसके 2 से गुणा कर दो। एक साल में 2 हाफ ईयर होते हैं, 2 अर्धवार्षिक होते हैं, तो इसको 2 से कर दो तो आपका ये हो जाएगा 3 हाफ ईयर्स हो जाएंगे। तो यहाँ एन का मतलब 3 हो गया, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला हो गया नहीं, प्री सिंपल प्लस 1 प्लस R/100 और यह एन, एन का मतलब 3, ये टर्म हो गया। अब आप इसको सोल्व कर लीजिए, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये 10,000 है, 5/100 है ना, ये इंटरेस्ट रेट 5/100 है, तो 5 से 100 को काटा तो 20 हो गया ये, और यह 1 हो गया, तो 20 को 1 से गुणा किया, 20 और 1 21, ये हो गया 21/20 और 3 टाइम्स है, 3 साल का है ये, ओके। तो हम कहेंगे 10,000 × 21/20 × 21/20 × 21/20, 3 बार हो गया, 3 टाइम्स एन। अब देखिए आपको काट दीजिए 1, 2, 3, 1, 2, 3, ये 10 को 2 से काटा तो 5, अब आपका कितना हो गया, 5 × 21 × 21 × 21, ठीक है, 1, 2, 3, नीचे क्या है, 2 और 2, 4, ठीक है, 2 × 2। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये आपका कितना आ जाएगा, 11,576.25, यानी इसको इससे गुणा कर दीजिए, फिर इसको 21 से करिए, फिर इसको 21 करिए और 2 2 4 का भाग दे दीजिए, 11,576.25। ये क्या आ गया, फर्स्ट आ गया इसका इंटरेस्ट जो है कंपाउंडेड हाफ ईयरली फॉर 1.5 ईयर्स। अब आप आइए इसका पार्ट टू, पार्ट टू में क्या है, क्या ये ब्याज उससे मिलने वाले ब्याज से अधिक होगा यदि वार्षिक रूप से संयोजित किया जाए, वार्षिक रूप से संयोजित किया जाए, अगर ये जो है एनुअली कंपाउंड हो हाफ ईयरली की बजाय, पहले हमने हाफ ईयरली किया था अब एनुअली करेंगे, एनुअली करेंगे तो क्या होगा, देखिए फॉर्मूला तो आपका वही है, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस R/100 और ये एन हो गया। अब देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल तो कितना है, वही 10,000 है, 1 प्लस R क्या है, अब एनुअल करना है तो R है 10%, तो 10/100 और कितने साल के लिए करना है, 1.5 साल के लिए करना है। पहले आप 1 साल के लिए निकाल लीजिए, फिर 6 महीने का अलग से और निकाल लीजिए, 1 साल का तो मतलब सिंपल हो गया, ठीक है। तो आप इसको काट दीजिए, तो ये हो गया आपका 10,000 × 10 को 1 से गुणा किया, 10 और 11 11/10, ये आपका 1 साल का ब्याज, 1 साल ही है इसलिए 2 बार नहीं होगा, तो ये आपका ये कट गया, यानी कि ये अमाउंट कितना हो गया, 11 को 1,000 से गुणा किया तो 11,000, ये तो निकल गया 11,000 रुपया 1 साल के बाद हो गया। अब आपको 1 साल के बाद 6 महीने का और निकालना है, 1.5 वर्ष का निकालना है ना, तो 11,000 के ऊपर सिंपल इंटरेस्ट निकाल लीजिए, आधे साल का, ये 1 साल का कितना है, 10/100, तो आधे साल का कितना हुआ, इसमें 2 का भाग दे दो, 2 से 10 को काट दीजिए तो 5 आ जाएगा, आपका कितना हो गया, 110 × 5, यानी ये हो गया 550 रुपया 6 महीने का, और 11 महीने का था, 1 साल का था 11,000, 6 महीने का 550, तो इसके अंदर 11,000 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 11,550, ये हो गया पार्ट टू, यानी एनुअली इंटरेस्ट, ठीक है।
एनुअल इंटरेस्ट, और हाफ ईयरली वाला कितना था जो हमने पहले किया था, यानी 11,576 रुपये 25 पैसे, 11,576 रुपये 25 पैसे, ये था अर्धवार्षिक से, और ये है वार्षिक कंपाउंडिंग से। देखिए 11,576, तो इसमें प्रिंसिपल कितना है 10,000, और ब्याज कितना हुआ 10,000, इसमें से घटा दिया 1,576 रुपया 25 पैसा। यहाँ क्या है 11,550, प्रिंसिपल कितना है वही 10,000, ब्याज कितना हुआ 1,550। देखिए प्रश्न में क्या पूछा है, क्या यह ब्याज उससे मिलने वाले ब्याज से अधिक होगा यदि इसे वार्षिक रूप से संयोजित किया जाए। वार्षिक रूप से जो संयोजित किया गया तो ब्याज 1,550, अर्धवार्षिक से किया 1,576 रुपये 25 पैसे, क्या 1,576 रुपये 25 पैसे जो है ये इससे ज़्यादा है, हम कहेंगे हाँ ये जो है अर्धवार्षिक वाला है ये इसका ज़्यादा है। इसका उत्तर आ जाएगा कि इसका उत्तर लिखा हुआ है, पहले आपने निकाला 11,576, पोज कर लीजिए, पढ़ लीजिए, उसके बाद आप सेकंड पे आइए, उसके बाद में जो है ये थर्ड पेज के ऊपर आपका आ जाएगा, ये 1,550 आ जाएगा। यस इंटरेस्ट 1,576.5 इज मोर देन 1,550, हाफ ईयरली वाला ज़्यादा है। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।